नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। बिहार की गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में नालंदा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और सहकारिता मंत्री ने और साथ ही डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किया गया, जहां पर पीएम मोदी नालंदा पहुंचे, नालंदा विधि कैंपस का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हमने बिहारवासियों को सफल स्वागत किया है और साथ ही साथ स्मारक पत्र भी लिया है। जिस तरह देश का जो धार्मिक स्थल है उज्जैन महाकाल, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो निर्माण कराया गया है, जिससे काफी पर्यटकों को काफी सुविधा हो रही है। हमने एक लिखित स्मारक पत्र को दिया है, सौंपा है आज जाकर के, और हमने कहा है जिस तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर उसी तरह भगवान विष्णु की पावन नगरी है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग 50 लाख लोग साल में आते हैं। ये कि किसी सरकार के प्रधानमंत्री को गया में भगवान बुद्ध और विष्णु की नगरी में स्वागत करते हैं, यही हमने कहा। उन्होंने बड़ा ये से खुश से हमने हाथ दो पकड़ लिए, यही बात है। और कोई बातें हुई और कोई बात नहीं। एक बार फिर से पुरानी विरासत को किया गया, वो सब हम लोग बात करेंगे। पुरानी विरासत चलते चलते बात तो ही होगी। पुरानी विरासत के बारे में बहुत बात करते हैं 16 अप्रैल को, और वो बात याद है, वो सब बातों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप का उद्घाटन किया है और कहा कि तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण करने के बाद में पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का मौका मिला है और ये मेरा सौभाग्य है। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा सिर्फ नाम ही नहीं, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। आज की लपटों में किताबें भले जल जाएं, लेकिन वो ज्ञान को नहीं मिटा सकती हैं। अपने संबोधन में पीएम ने यह भी कहा कि पुस्तकें भले ही जल गई, लेकिन ज्ञान की लौ नहीं बुझी है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बताते चलें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान गया के 2 पूर्व सांसदों हरिमांझी, राम मांझी प्रधानमंत्री से नहीं मिल सके। उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर पूर्व सांसद हरिमांझी और राम मांझी ने कहा कि गया जिला अध्यक्ष जो लिख कर देते हैं उसके आधार पर प्रदेश की सूची बनती है, उसी सूची में हमें शामिल नहीं किया गया। सूची में वैसे कई कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। हम लोग का लिस्ट में नामे नहीं है, जो लिस्ट यहाँ से जिला से गया है उसमें नाम नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। हम लोग समझते हैं कि गया से गया गुजरात आदमी का नाम सबका है, जो पैसा देता है उसी का ही लोग नाम बेचता है।
और उसी को अप्रूवल होकर चलाता है। हाँ, किनके द्वारा ये अप्रूवल किया जाता है? स्टेट से आया है, लेकिन भेजता तो है अध्यक्ष और महामंत्री। अच्छा, आप पूर्व सांसद है और आपसे जो छोड़ कार्य करता है वो अंदर जा रहा है? हाँ, सब जा रहा है। हम लोग दोनों प्रोटोकॉल के अधीन आते हैं। हम लोग का नाम नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं और प्रधानमंत्री को भी इसकी सूचना देंगे और जिला का जो मुखिया अथी है अध्यक्ष उसके बारे में लिखा पढ़ी करेंगे और प्रांत के भी जानकारी देंगे। देखिए, सांसद महोदय हमारे सम्मानित पूर्व सांसद रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो क्या बोले हैं उस पर मैं विवाद में नहीं जाऊंगा, वो हमारे सम्मानित नेता हैं। लेकिन मैं इतना आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मैं जिस वर्ग से आता हूं, जिस घर से आता हूं, हमें कभी ऐसा नहीं सिखाया गया है कि पैसे पे कोई काम करना है। और रही बात आज पीएम साहब का प्रोग्राम में लोगों को मिलवाने पर जो आरोप लगाया है माननीय पूर्व सांसद महोदय ने, मिलने के लिए तो बहुत सारे इसमें पुराने भी हैं, मिल भी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को जिला से कहा गया कि आप लोग प्रोटोकॉल को तहत नहीं आते हैं, इसलिए आप नहीं मिल सकते हैं। और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब प्रोटोकॉल के तहत है, हम लोग प्रोटोकॉल के तहत नहीं है, इसलिए हम लोग मतलब है कि बाहर में खड़े हैं। ऐसा क्या किसी की तरह जानबूझ के किया जा रहा है? तो जिला तो जानबूझ के ना किया कि हम लोग दोनों को नाम नहीं भेजा। पूर्व मतलब विधायक बोध गया के सामदो पासवान है। हत्या कर दी है। घटना खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव की है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि जमीनी विवाद के चलते चाचा ने भतीजे को गोली मार दी है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चाचा को पीएचसी से गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आपस में दियाद लगते हैं दोनों के बीच, संपत्ति बंटवारे या नापी को लेकर जो कुछ पिलर गाड़ने वाड़ने को लेकर आपस में विवाद हुआ और इसी विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो अभी गिरफ्तार है, इसी के द्वारा गोली चलाई गई है और उनके द्वारा वो हथियार भी प्रस्तुत किया गया है। घटनास्थल से हम लोग को दो खोखा भी मिला है, अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर मधुबनी से है, जहां पर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के देवरी गांव में अपराधियों ने दो लोगों को गोली मार दी है, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर देखकर चिकित्सकों ने डीएमसीएच रेफर कर दिया है। मृतक की पहचान गांव के ही मोहम्मद जाहिर के रूप में की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि घर के दरवाजे पर बैठी युवती ने छेड़खानी का मामला जो है वो उसका विरोध भी किया था, जिस पर अपराधी ने उसके पिता और सड़क पर घूम रहे ग्रामीण जाहिर को गोली मार दी है, जिसमें युवती के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और युवक की मौत हो गई है। अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुआ, किस लिए फांसी लगाया है? सातों रह से पत्नी से झगड़ा हुआ है, इसी कारण लगा दिया। मैंने पति पत्नी के विवाद में पति फांसी लगा लिया है। हाँ हाँ, पोस्टमार्टम के लिए आया है। व्यवहार न्यायालय छपरा में दो अधिवक्ता पिता पुत्र की निर्मम हत्या का मामला सामने आया, जिसके विरोध में बार काउंसिल ऑफ बिहार के आह्वान पर व्यवहार न्यायालय सहरसा के सभी अधिवक्ता और काली पट्टी लगाकर विरोध और शोक दिवस मनाते हुए
कार्य कर रहे हैं। सभी अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में सभी एडवोकेट्स को सुरक्षा दी जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और साथ ही अधिवक्ता की सुरक्षा से संबंधी जो भी कानून है उसे भी अविलंब लागू किया जाए। बिहार स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर और ऑल इंडिया बार काउंसिल के माननीय चेयरमैन मनन मिश्रा जी के आह्वान पर हम लोगों ने छपरा में हुए हमारे अधिवक्ता और उनके पुत्र के हत्या के आलोक में हम लोग काला बिल्ला लगाकर आज अपने काम को अंजाम दिया है और सरकार से मांग है जो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, अविलंब बिहार स्टेट बार काउंसिल इसमें पहल करे, ऑल इंडिया बार काउंसिल पहल करे और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू किया जाए। ये छपरा में हमारे दो अधिवक्ता भाइयों का जो है निर्मम हत्या कर दिया गया है, जिसके विरोध में बिहार स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पे हम लोग शोक दिवस के रूप में आज का दिन मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए सुरक्षा से संबंधित जो भी कदम उठाया जाए सरकार के द्वारा वो जल्द उठाया जाए और अधिवक्ता हित में कोई कानून बनाया जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल लाया जाए और अधिवक्ता के सुरक्षा में। नवादा में बेखौफ बदमाशों ने नारदीगंज पंचायत के महादलित मुखिया और जेडीयू नेता रण विजय पासवान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, जिसके बाद में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस गोलीबारी ने मुख्य रूप से आपको बताते चले कि एसयूवी कार में सवार उनके ममेरे भाई राजबली पासवान को भी गोली लगी है। वहीं हमलावरों ने मुख्य वाहन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है और इस फायरिंग में मुखिया बाल बाल बच गए। गोलीबारी की वारदात नारदीगंज थाना क्षेत्र के दललपुर गांव स्थित ईट भट्टा के पास की बताई जा रही है और गोलीबारी में घायल राजबली पासवान को स्थानीय लोगों के सहयोग से आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां से डॉक्टर ने उन्हें पावापुरी बीम्स में रेफर भी कर दिया है। नवादा जिले के बुधौली पंचायत के मुखिया पप्पू मांझी की हत्या को सुलझा लेने का दावा पुलिस ने किया है। हत्याकांड में शामिल तीन अन्य अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस प्रकार से पांच लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। मामले में एसडीपीओ महेश चौधरी ने बताया कि 13 जून की रात पप्पू मांझी की इंटर विद्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद में टीम का गठन किया गया, जिसमें सामने आया कि पप्पू मांझी को बुधौली गांव के अमरिंदर कुमार और दियोरा गांव के मनीष सिंह ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनाया है और जिताकर मुखिया बनाया। मुखिया बनने के बाद में साल 2019 से अभी तक मुखिया सिर्फ सरकारी योजना की राशि निकालने के लिए साइन करता रहा, लेकिन सभी पैसे अमरिंदर और मनीष लेते रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुखिया ने साइन करने से इनकार कर दिया था, साथ ही दूसरे कामों को भी रुकवा दिया, जिसके चलते दोनों ने अनुज कुमार से संपर्क कर उसे मुखिया बनाने का लालच दिया, जिसके चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। अंतर्गत ग्राम बुधौल के वर्तमान मुखिया पप्पू मांझी की हत्या का सफल उद्भेदन कर लिया गया है और हत्या में शामिल सभी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं हत्या में प्रयुक्त एक देसी कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा एवं दो फरा खोखा को भी बरामद कर लिया गया है। खबर बगहा के धनहा से है, जहां पर एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पूरा मामला दहवा पीएचसी अंतर्गत आरएस हॉस्पिटल का है। आपको बताते चलें कि प्रसव के दौरान महिला की मौत हो जाने के बाद में अस्पताल के कर्मचारी महिला को छोड़कर फरार हो गए। जब उनका डेथ हो गया तो लोग निकलने लगे। आपको डाउट हुआ? हाँ, डाउट हो गया था। डाउट हो गया तो आप क्या की? पहले पेशेंट के पास गए? हाँ, पेशेंट गए तो मतलब देख लीजिए हालत। हम बोले थे डॉक्टर साहब देखिए उनका मतलब सांस नहीं चल रहा है, किस तरह से दिवस है। डॉक्टर बोले थे नहीं ऑक्सीजन लगाए हैं, हम ठीक है ऑक्सीजन मतलब लगता है कभी सांस चलता है तो बोले थे नहीं सांस नहीं चलता है, तभी मतलब डाउट हो गया अंदर तो मतलब बहलाव फुसलाव लोग ले लो। हाँ, बहलाव तो डॉक्टर बोले थे क्योंकि हम गाड़ी से पहले लाने जा रहे हैं, उनको
लेकर चलेंगे जिला के, तुम भी लेकर धाम को नहीं आते, हम नहीं लेकर जाएंगे। पश्चिम सिंहभूम जिले में सोमवार को गुवा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ में 5 हार्डकोर और इनामी नक्सलियों के मारे जाने और 2 नक्सलियों के गिरफ्तार होने के बाद में झारखंड पुलिस के डीजीपी अजय कुमार सिंह चाईबासा पहुंचे और उनके साथ में एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर और साथ ही कई लोग यहां पर मौजूद रहे हैं। बरियारपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर बाजार से एक युवक को 5 की संख्या में अपराधी हथियार के बल पर अपहरण कर ई रिक्शा वाहन पर बैठाकर मारने की नियत से भागे हुए अपराधियों में से 2 अपराधियों को बरियारपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदर एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि बरियारपुर थाना क्षेत्र को सोमवार की शाम को लगभग 7 बजे सूचना मिली थी कि एक युवक को ई रिक्शा पर जबरदस्ती बैठा लिया गया है और अपराधी खड़गपुर रोड की दिशा में भाग रहे हैं। जो बादशाही पुलिस के पास है वहाँ पे एक लड़के को जो परिया का रहने वाला था जबरन टोटो पे अरेस्टेड, 5 लड़के जिसमें से 2 अरेस्ट हुए हैं, गोलू कुमार और प्रेम कुमार ने जबरदस्ती हथियार के साथ बैठाकर ले गए थे और बाद में सोती पुल के बगल एक खंडहर पे वहाँ पे रखे हुए। इसकी सूचना थाना अध्यक्ष बरियारपुर को मिली, बरियारपुर अपने दल बल के साथ वहाँ पहुंचे। मुजफ्फरपुर में सुनीता किडनी कांड मामले में कोर्ट ने बुधवार को दोषी डॉक्टर पवन कुमार को 7 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 18,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एससीएसटी एक्ट जय मंगल प्रसाद ने बताया कि विशेष कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई होने के बाद में कुल 7 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर आरके सिंह अभी तक फरार हैं, उसके विरुद्ध कुर्की की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सुनीता किडनी कांड में डॉक्टर पवन कुमार को न्यायालय श्री अजय कुमार मल ने 7 वर्ष की सजा सुनाया है। ये सहयोगी के रूप में मुदालत थे और 18,000 रुपया फाइन के रूप में किया गया है। अगर फाइन का रुपया 18,000 नहीं देगा पवन कुमार, उसके बदले 4 महीने का उसको सजा भुगतना पड़ेगा। न्यायालय बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। इसमें 2 साल कस्टडी काट चुका है, उसको माइनस कर दिया गया है। इसमें कौन कौन सा धारा लगा हुआ था? इसमें धारा लगा हुआ था 384, 420, 120 डी, 307, 18/19, ट्रांसप्लेशन ह्यूमन ऑर्गन एक। कब मामला दर्ज हुआ था? आज से 2 साल पहले। क्या आरोप था? आरोप था कि ये मैंने सुकांत नाम के क्लिनिक हॉस्पिटल था, उसमें मैंने डॉक्टर थे डॉक्टर आर के सिंह, उन्होंने ऑपरेशन किया था। बिहार का नालंदा जिला पेपर लीक मामले को लेकर सुर्खियों में आ चुका है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। पेपर लीक मामले को लेकर छात्र छात्राओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा, सड़कों पर उतरकर लगातार कार्रवाई की मांग भी की जा रही। पेपर लीक मामले का तार नालंदा जिले से जुड़े होने के बाद में इलाके में खलबली मच गई है। पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि लगातार पेपर लीक मामले में पिता पुत्र का नाम आने के बाद में इस पंचायत का नाम भी काफी बदनाम हुआ है। अपने रीजन में अच्छे काम किए, यहाँ रोड बना दिए हैं, पानी के सुविधा कर दिए हैं, जो भी काम मिला उन जो कर ही दिए। चार
प्रयास में बिजली की लाचर व्यवस्था को देखते हुए आपको बता दें चले कि लोग अब सड़क पर उतर गए हैं। एक तो गर्मी से लोग परेशान हैं और दूसरी ओर बिजली की सुध ना बिजली विभाग ले रहा और ना ही जनप्रतिनिधि ले रहे हैं। अलकुशा सहित कुल 7 गांव में 4 दिनों से बिजली नहीं है, जिसको लेकर सभी गांव वालों ने सड़क पर उतरकर अलकुशा मोड़ पर सड़क जाम कर दिया है। लोगों का भी कहना है कि 7 गांव के लोग बिजली की मार को झेल रहे हैं, जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने सुबह लगभग 8 बजे से सड़क जाम कर दिया। यहां पर गाड़ियों की लंबी कतार भी देखने को मिली है। आपको बताते चलें कि बोकारो में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। आपको बताते चलें कि 4 दिनों से कई गांवों की जो बत्ती है वो लगातार गुल है, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहां पर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद में बड़ा लंबा जाम देखने को मिला है, जिससे और भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। तो वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि लगातार 4 दिनों से बिजली नहीं आ रही, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बोकारो से हैं। न कोई विभाग से कोई रिस्पांस मिल रहा है, न कोई मिस्त्री से, न किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिला। 4 दिन से पब्लिक परेशान है, और इस तरह का चलने से हम लोग भी परेशान है। इसलिए आज हमको रोड में आना पड़ा। हम लोग पूरा 7 गांव का मिलकर आज रोड में आना है कि हम लोग का बिजली नियमित रूप से मिले। और हम लोग का जो बिजली की लचर व्यवस्था को देखते हुए आप लोग मतलब सड़क जाम किए हैं? हाँ, जाम किए हम लोग। क्या मांग करते हैं प्रबंधन? हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग का बिजली नियमित रूप से रहे और कटौती कम हो, यही हम लोग का मांग है। क्या नाम हो? और जो खराबी है वो तुरंत चालू करें, एक दो घंटे के अंदर सॉल्व करें। बड़ी खबर बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से है, जहां पर 160 घड़ियाल के बच्चों की किलकारी से गंडक नदी गूंज उठी है। आपको बताते चलें कि आधा दर्जन संरक्षित किए गए घोंसलों से अंडों का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया गया और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, वन विभाग और स्थानीय समुदाय द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश में नदी के बेसिन में 6 घोंसलों की निगरानी की जा रही थी। ये पहली बार है कि उत्तर प्रदेश के सोगीबरा वन्यजीव अभयारण्य से जो है वहां घड़ियाल घोंसले की पहचान की गई। साधु घाट के पास एक मादा घड़ियाल ने 33 अंडे दिए थे, जिसका हैचिंग कराया गया और साथ ही नेपाल में छोड़ा गया था, लेकिन ये घड़ियाल माइग्रेट कर बिहार यूपी सीमा पर पहुंच गई और यहां पर अंडा का घोंसला बनाया। वहीं बिहार के धनहा रतवल पुल के पास में 5 घोंसले बनाए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।